सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल राधे मोहन चैनल को और बेल आइकन का दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्निकल राधे मोहन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक लेकर आए हैं उसमें हम दिखाने वाले हैं वीवो का जो Y53 ओल्ड मॉडल का, तो उसका हार्ड ब्रोकन ग्लास एक कंडीशन आया है हमारे पास, ग्लास नहीं इसमें पड़ी है, तो उसको हम रिप्लेस करके आपको दिखाने वाले हैं। देखिए काफ़ी टूटा हुआ है, तो इसको हम पहले डीअसेंबल कर लेते हैं, उसके बाद जो ऊपर का जो टूटा हुआ फिड़िए है ऊपर का हिस्सा, इसके ऊपर हम थोड़ा ब्राउन कलर का टेप लगा लेंगे, क्योंकि हार्ड ब्रोकन है, जब भी हम सेपरेट करेंगे तो ग्लास इधर उधर बिखर ना जाए, इसीलिए हमको यहाँ टेप लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए हमने इसको डीअसेंबल कर लिए हैं और इसके बाद हम इसको टेपिंग कर लेंगे। ब्राउन कलर का जो टेप आता है उससे हम थोड़ा टेपिंग कर लेंगे। आप भी बिल्कुल इसी तरीके आजमाएंगे अगर हार्ड ब्रोकन कंडीशन में कोई ग्लास आपके पास आता है, तो ये करना ज़रूरी है, नहीं तो टूटा हुआ बिखरा हुआ जो छोटा बहुत कांच होता है वो अंदर चला जाने के आपका डिस्प्ले ख़राब हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको ये टेपिंग कर लेना ज़रूरी है। तो देखिए मैंने यहाँ टेपिंग कर लिया और उसके बाद जो करना है आपको 2 या 3 मिनट आपको 80 से 90 डिग्री टेम्परेचर में हीट कर लेना है, और हीट करने के बाद आप इसको बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। देखिए हमने टेपिंग कर ली है, अभी 2 मिनट तक इसको हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद देखिए इसको हम रिमूव करेंगे। देखिए वो रिमूव करने के वक्त आपको हीट हो जाने के तत्पश्चात ही जो OCA का वर्स्ट पेपर होता है उसको आप हार्ड पन्नी जो होता है उसको थोड़ा अंदर डाल दीजिए LCD के नीचे से और चारों ओर घुमा लीजिए, तो आसानी से उसका जो ग्लू होता है वो रिमूव हो जाएगा और डिस्प्ले बाहर आ जाएगा। तो देखिए मैंने किस तरीके से इसको बड़ी आसानी से बाहर निकालनी है, आपको भी इधर के आजमाना है। जो नीचे की जो पोजीशन है उसको आपको उठाना नहीं है, ऊपर की ओर खींच के आपको बाहर निकालना है। ध्यान रखिए वहाँ नीचे LCD का पत्ता कनेक्शन होता है, तो आपको बड़ी आसानी से इसको उठाना है। और दोस्तों अगर चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रखे बेल आइकन का दबा लीजिए, ताकि लेटेस्ट कोई टेक्नोलॉजी वीडियोज हमारी चैनल पर अपलोड होता है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों LCD हमने बाहर निकाल लिए हैं, अभी इसको सेपरेटर में रख के हम इसका काटिंग करेंगे। अब दोस्तों काटिंग वायर जो हमने इस इस्तेमाल किए हैं उसमें 0.04 या 0.05 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और टेम्परेचर जो होता है 70 से 80 के बीच में आप रखिए, और उसके बाद आपको बड़ी आसानी से धीरे धीरे आपको इसको काटिंग कर लेना है। काटिंग के वक्त दोस्तों जल्दबाजी मत कीजिएगा क्योंकि ब्लैक डॉट आ जाता है, तो इसीलिए आपको बड़ी नाजुक हाथों से इसकी काटिंग करना पड़ेगा, बड़ी आसानी से आपको ये करना है। तो देखिए मैं किस तरीके से वायर चला रहा हूँ, आपको भी ये तरीका फॉलो करना है। देखिए हम लोगों का काटिंग लगभग हो चुका है, देखिए अभी जो ग्लू है गर्म रहने के वक्त ही आपको इसको साफ कर लेना है। आप रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी आसानी से रोलर से साफ हो जाता है, गरम गरम ग्लू है। और डिस्प्ले बनाने के वक्त दोस्तों आपका बड़ी ध्यान रखना है, क्लीन कितनी अच्छी आप कर सकते हैं, जितनी अच्छी आप क्लीनिंग करेंगे उतनी अच्छी आपकी पंचिंग की क्वालिटी बनेगी दोस्तों। और फाइनल क्लीनिंग जो करना है आपको दोस्तों वो फैल्कन 530 का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें फाइनल जो क्लीनिंग होता है बड़ी अच्छी होती है। और दोस्तों क्लीनिंग एक दफ़ा हो जाने के बाद हम इसके ऊपर OCA शीट लगाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर PDA लगा के पंचिंग करना है। देखिए दोस्तों किस तरीके से हमने इसको साफ कर रहे हैं, आपको बिल्कुल इसी तरीके से प्रॉपरली इसको क्लीन करना है।
ग्लू का एक डॉट भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल क्लीन करेंगे। अगर ग्लू की एक डॉट भी रह जाता है वहाँ बाद में बबूल आ जाने के चांस रह जाता है। देखिए एलसीडी हम चेक करा रहे हैं आपको, बिल्कुल रिमूव करने के बाद बिल्कुल देखिए हम आपको एलसीडी बराबर चेक करवाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसके ऊपर ओसी सीट लगाएंगे और इसका पंचिंग करेंगे। देखिए कोई निशान नहीं है, कोई ब्लैक डॉट आया नहीं, बिल्कुल प्रॉपर उतरा हुआ है डिस्प्ले। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, अगर अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि लेटेस्ट कोई टेक्नोलॉजी वीडियोज़ हमारी चैनल पे अपलोड होता है तो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द आपको मिल जाता है। और दोस्तों हम कोशिश करते हैं रोज़ाना एक नया टेक्नोलॉजी वीडियोज़ इसी तरीके से अपलोड करते रहें हमारी चैनल पर। देखिए अब उसी यूज़ करेंगे, उसी सीट जो है दोस्तों आपको बेस्ट क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। अगर लो क्वालिटी का उसी सीट आप इस्तेमाल करेंगे तो बाद में बबूल आ जाता है। और उसी सीट दोस्तों लगाना के तरीका है, देखिए नीचे से आप लगा लीजिए, जहाँ से आपका प्लोराइज़र स्टार्टिंग होता है वहाँ से आपको उसी सीट लगाना है। और आप रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा सीट है इसको आपको ब्लेड से काटिंग कर लेना है। जो वैसी सीट जो दोस्तों आप काटेंगे ना, हर बार आपको नया ब्लेड इस्तेमाल कर लेना चाहिए, इसमें काटिंग बड़ी अच्छी और फिनिशिंग होता है। उसी का जो एक्स्ट्रा सीट है उसको काटने के बाद दोस्तों इसको फ्रेम में बिठा के हम इसके ऊपर टच नया लगाएंगे, आगे वीडियो में देखेंगे। देखिए एक्स्ट्रा जो उसी का ग्लू होता है उसको हमने काट लिए हैं, इसके बाद हम इसको फ्रेम में बिठाएंगे। फ्रेम में बिठाने के बाद उसका जो टच है इसके साथ हम अटैच करेंगे और उसके बाद हम पंचिंग करेंगे। तो देखिए नया पीडी हमने मंगा के रखे हैं, इसको फ्रेम में लगाना ज़रूरी है ताकि इसका पोजीशन सही रहे। और उसके बाद ऐसे का जो वेस्ट पेपर है इसको हम उठाएंगे, ये देखिए नया वीडियो है, इसके ऊपर हम अटैच करेंगे। इसके ऊपर का जो पेपर होता है इसका पहले हटा लीजिए, उसके बाद उसी सीट हाफ जो एक्स्ट्रा सीट है उसको भी हटा लेना पड़ेगा। उसके बाद हम इसके ऊपर पीडीए को यानी टच को प्रॉपरली अटैच करेंगे, कोने से कोने मिला के बिल्कुल। टच को प्रॉपर बिठाने के बाद दोस्तों कहीं प्रेस मत कीजिएगा बीच में, चारों कोने थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेने के बाद उसको फ्रेम से निकाल के अब डायरेक्ट मशीन में पंचिंग कर सकते हैं। तो देखिए हमने किस तरीके से इसको अटैच कर रहे हैं, बिल्कुल बड़े नाजुक हाथ से इसको कोने से कोने मिला लीजिए और उसके बाद चारों कोने में थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लीजिए और उसको बाहर निकाल लीजिए। और दोस्तों पंचिंग मशीन का जो सेटिंग्स रखना है आपको, हर मशीन का अलग अलग सेटअप रहता है। जो मेरा मशीन में सेटअप है उसमें हम जो वैक्यूम का टाइम रखें वो 30 सेकंड रखें, और पंचिंग होल्डिंग का टाइम वो भी हमने 30 सेकंड रखे हैं, और जो प्रेशर है वो 4 के जो एनालॉग मीटर है उसमें 4 में सेट करके रखे हैं बिल्कुल। और जो टेम्परेचर होता है उसमें आप 35 to 45 के अंदर रख सकते हैं। और देखिए पंचिंग हमने वो जो फ्लेक्स है उसको भी खोले नहीं बिल्कुल, तो इससे आपको करना क्या है ना, जो ब्लैक सॉफ्ट मैट होता है उसके ऊपर आपको पंचिंग करना है। तो कोई भी एमोलेड हो या फ्लैट एलसीडी हो आपको पत्ता खोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाता है, एक भी एलसीडी ख़राब नहीं होगा। काफ़ी सारे दोस्तों कमेंट करते हैं, सर जी आपने
बिना पत्ता खोले ही पंचिंग कर लेते हैं, हमारा तो लाइनिंग आ जाता है दोस्तों। एक भी एलसीडी ख़राब नहीं गया, मेरी गारंटी है। आप अगर सॉफ्ट मैट से पंचिंग करते हैं, नीचे फॉर्म रखे हुए हैं, देखिए व्हाइट कलर का फॉर्म है, उसके ऊपर हम सॉफ्ट मैट रखे हैं ब्लैक कलर का, तो एक भी एलसीडी आपका ख़राब नहीं होगा। देखिए हम एलसीडी पंचिंग करके आपको बिल्कुल दिखाएंगे। ये देखिए पंचिंग बड़ी आसानी से हो गया है, और छोटा मोटा जो बबल रह गया है वो 1 से 2 मिनट में बबल रिमूवर में निकल जाता है। तो देखिए अभी बबल रिमूवर का इस्तेमाल करेंगे हम, 2 मिनट के बाद डिस्प्ले बिल्कुल चमक जाता है। देखिए दोस्तों 2 मिनट हो चुका है, अब इसको हम रिमूव करेंगे और आपको दिखाएंगे डिस्प्ले कितनी अच्छी तरीके से बनी है। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन अच्छे हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि लेटेस्ट कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। देखिए दोस्तों डिस्प्ले कितनी अच्छी से बनी हुई है, और देखिए बिल्कुल क्लीन, एक भी बबल नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। अब दोस्तों हम इसको फिटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। बिल्कुल देखिए इसको हमने जोड़ लिए हैं फ्रेम से, ग्लू देकर रबार से चिपक के रखे हैं थोड़ा बहुत। थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरा बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।